नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाज में। आज हम लोग बात करेंगे RVNL की। जी हाँ, इनके क्वार्टर फोर के नंबर आए हैं, सब पे चर्चा करेंगे। लास्ट में हम लोग चार्ट देखेंगे और उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको खुद आइडिया लग जाए कि हमें क्या करना चाहिए, पैसा लगाना चाहिए, निकलना चाहिए, रुकना चाहिए, क्योंकि क्वार्टर फोर के नंबर इतने संतोषजनक नहीं आए हैं जितने कि एक्सपेक्ट किए जा रहे थे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है गाइस कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है गाइस, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसी नाम से आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा शेयर स्मॉल में BAZZ कैपिटल में। कोई टिप वगैरह नहीं देता हूँ, कोई फालतू की चीज़ यहाँ पर नहीं डालता हूँ, केवल इंपॉर्टेंट न्यूज़ डालता हूँ और अपने वीडियोस के लिंक यहाँ शेयर करता हूँ। रिजल्ट्स मैंने यहाँ पर पहले डाल दिए थे और यहाँ पर बता भी दिया था कि कैसे रिजल्ट्स आए हैं, तो आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी इसमें जाएंगे तो आपको मेरे पुराने वीडियोज़ के लिंक भी मिल जाएंगे, आप जाके उसको भी देख सकते हैं एक ही जगह पर। चलिए शुरू करते हैं। तो इन भाई साहब की रिक्वेस्ट भी आई थी, आप जैसे व्यूअर हैं ये, तो इनकी रिक्वेस्ट पर भी मैं वीडियो ला रहा हूँ और इसके मैं फिलहाल लाता ही इनकी रिक्वेस्ट पर, और नंबर आ गए हैं क्वार्टरली तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर गाइस आपको ध्यान से देखना, यहाँ पर देखिए इस तरफ मामला स्टैंड अलोन का है और इस तरफ मामला है कंसोलिडेट का। तो हम लोग कंसोलिडेट ही देखेंगे, स्टैंड अलोन इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। सारी वैल्यू यहाँ पर करोड़ में है और बहुत छोटा छोटा है, तो आपको बहुत सावधानी से यहाँ पर ध्यान से देखना पड़ेगा और अपने फ़ोन का रेजोल्यूशन यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाना होगा। तो यहाँ पर देखिए गाइस, ये क्वार्टर एंडेड मामले पर हम लोग पहले आते हैं और यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले टोटल इनकम की बात। ये आप देख पा रहे हैं इनकम, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस बार की जो इनकम आई है 5,975 करोड़ की आई है, जो इससे पिछले क्वार्टर में थी 5,293 करोड़ की। तो यहाँ से आपको जंप देखने को मिल रहा है। और वही हम बात करेंगे पिछले साल इसी क्वार्टर में, यानी कि 31 मार्च 2022 को, तो यहाँ पर देखिए आप 6,647 करोड़ की थी, वहाँ से आपको थोड़ा सा डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, कुल मिलाकर गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं बात हम लोग करेंगे अगर प्रॉफिट और लॉस की, तो यहाँ पर प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं और यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको जूम कर देता हूँ तो यहाँ पर आपको क्लियर कट दिख जाएगा। ये देखिए यहाँ पर है आपका 9 नंबर में, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो ये वाला कॉलम है जो इस बार आई है 359.25 करोड़ आई है, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 382.42 करोड़। और पिछले साल इसी क्वार्टर में देखेंगे आप तो 378.16 करोड़ थी, वहाँ से भी आपको गिरावट देखने को मिली है। तो एटलीस्ट यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा जो जंप है वो अगर दिखता तो भी एक मामला पॉजिटिव रहता, और आज आपको अच्छी खासी तेज़ी दिखी है, तो कल आपको डेफिनेटली हो सकता है आपको यहाँ प्रॉफिट बुकिंग और यह हो सकता है गिरावट देखने को मिले। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका एक बार यहाँ पर थोड़ी सी जो बेसिक चीज़ें हैं उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो गाइस देखिए मार्केट कैप आप देख पा रहे हैं क्या बेहतरीन कितना बड़ा है, 25,365 करोड़ का। मैंने आपको बताया कि 5,000 करोड़ से ऊपर जब भी मार्केट कैप हो बेहतरीन है, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर बैठ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि अब भैया मार्केट कैप बड़ा है तो भैया एंट्री और एग्जिट भी मैटर करता है, तो सही एंट्री तो मतलब बढ़िया पैसा, आप ये भी चीज़ ध्यान में रखेंगे। ROCE की बात करेंगे तो 16.8% बढ़िया है, ROE की बात करेंगे 20% के आसपास बहुत बढ़िया है, और स्टॉक का PE देखेंगे 17.6 और कंपनी का PE यानी कि इंडस्ट्री का PE 26.7, तो वहाँ से आपको फिलहाल सस्ता देखने को मिल रहा है। और डेट की बात करेंगे तो यहाँ पर 6361 करोड़ का है, इसके हिसाब से आप देखेंगे डेट टू इक्विटी बनाता है 0.91, तो एक से कम है, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग देखिए 78.2% है और यहाँ पर प्लस परसेंटेज आपको 0 दिख रही है। और हाई और लो की बात करेंगे तो भाई साहब देखिए 29 रुपये का इसने लो लगाया हुआ है और हाई देखिए 144 रुपये का, अभी चल रहा है 122 रुपये में। तो गाइस लोगों की एक्सपेक्टेशन उसी तरह से थी, जैसे याद है आपको पिछले साल जैसे IRCTC भागा था एकदम भागते 6,263 रुपये पहुंच गया था बिना उसके, जब वो स्प्लिट नहीं हुआ था, और फिर उसके बाद धड़ाम हुआ था, लोअर सर्किट लगा था 5,249 रुपये आ गया था, और फिर और जब लगातार भाग रहा था तो लोग सोच रहे थे भागता ही जाएगा, लेकिन आज देखिए फिलहाल अच्छा खासा गिर चुका है, नीचे ही है। तो इसमें भी लोगों को इसी तरह की उम्मीद देखने को मिल रही थी कि भैया हाँ ये ऐसे ही भागेगा, लेकिन ऐसा ही हर एक स्टॉक के साथ सेम एक जैसी चीज़ें नहीं होती हैं, आपको सारी चीज़ें समझनी होंगी। FII देखेंगे यहाँ पर आप तो भाई 2.45 से 1.53 मार्च वाले क्वार्टर में घट गए, और DII अब देखेंगे तो यहाँ से फिलहाल बढ़ते हुए थोड़े से नज़र आ रहे हैं 6.45 से 6.51। और वहीं बात करेंगे प्रमोटर्स की, तो प्रमोटर आपको देखिए लगातार आपको शुरुआत से ही यहाँ से आप देखेंगे जनवरी 2021 से तो लगातार स्टेडी बने हुए हैं। बात करेंगे इसके रिटर्न की, तो आप देखिए किसी भी फॉर्मेट में इतने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिए हैं, इतने देखिए इतना ये जब भाग चुका है 3 महीने में 107% रिटर्न दे चुका है, तो गाइस गिरेगा नहीं क्या, प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगी, आपको ये सब चीज़ समझनी होंगी। अब इस लेवल पर अगर आप पैसा लगाएंगे तो सोचिए आप रिस्क हो सकता है ना। वॉल्यूम की बात करिए 2 करोड़ का वॉल्यूम देखिए जनरेट कर रहा है आज का, यस्टरडे की बात करेंगे 2 करोड़ एक वीक एवरेज 2 करोड़ एक मंथ का एवरेज 4 करोड़ है। और डिलीवरी परसेंटेज अगर आप देखें तो यहाँ पर कम रहता फिलहाल, यहाँ 26% है 1 मंथ का एवरेज, 36% है 1 वीक का, यस्टरडे 42% और आज अभी तक फिलहाल अपडेट नहीं हुआ, लेकिन अगर 40% भी रहा तो मान के चलिए 80 लाख लगभग लोग उठा लेके गए हैं अपने घर। बात करते हैं चार्ट की, तो गाइस देखिए यहाँ पर एक जो फिलहाल यहाँ से गिरावट देखने के बाद आज आपको एक
थोड़ा सा अप ट्रेंड बढ़िया मतलब अच्छा मोमेंट ऊपर देखने को मिला है। सबसे पहला जो एक तगड़ा सपोर्ट निकल गया था गाइस वो 50 EMA पे यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट किया यहाँ पर, उसके बाद फिर से ऊपर गया और फिर आपको ऊपर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको नीचे आता है तो ये जो है लेवल मान के चलिए 100 रुपये का सबसे बड़ा सपोर्ट फिलहाल तो वही है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी एक तरीके से है। और दूसरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गाइस 110 रुपये का निकल के आता है, 110 रुपये का सपोर्ट निकल के आता है। तो ये दोनों अगर सपोर्ट टूटते हैं गाइस तो फिर आपको थोड़ा सी और गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन जिसकी मुझे संभावना कम दिखती है क्योंकि रिजल्ट थोड़े से मुझे मतलब एक्सपेक्टेशन जो थी उसके हिसाब से नहीं आया, तो थोड़ी बहुत गिरावट तो मुझे लगता है देखने को मिलनी चाहिए कल। बाकी तो देखिए अगर ऑपरेटर्स इसमें भी थोड़े बहुत एक्टिव रहते हैं लेकिन इतने बड़े मार्केट कैप में बहुत ज़्यादा इसको हिला नहीं पाते हैं। और बात करें हम लोग वीकली लेवल पे, तो वीकली लेवल पे आपको क्लियर कट एक यहाँ पर ये देखिए अभी एग्जैक्टली अपने सपोर्ट पे है, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद आया, फिर इसने सपोर्ट लिया और आज भी लगभग वहीं से इसने बाउंड्री दिखाया, तो 120 रुपये के जो लेवल है वहाँ पर भी ये सपोर्ट है। लेकिन ये देखिए एक चीज़ आपको ये समझनी होगी कि यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी रहता है, गवर्नमेंट का एक डिसीजन से भी बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, आपको ये सारी चीज़ें समझनी होंगी क्योंकि रेलवे इसमें इन्वॉल्व है, समझ रहे हैं, रेलवे से संबंधित स्टॉक है, तो आपको ये भी चीज़ आपने ध्यान में रखनी होगी। मेरे हिसाब से गाइस आपको एंट्री बनानी चाहिए अगर ये आपको 100 रुपये से 110 रुपये के लेवल पे मिलता है तो वहाँ पर आप इसमें एंट्री बना सकते हैं एज़ पर माई पर्सनल व्यूज। अच्छा पिछले बनने का मैंने लोगों ने RSI नहीं देखा, यहाँ पर 61.63 है, बढ़िया RSI है। और वीकली लेवल पे भी देखेंगे तो 69.68 का RSI है, 78 का है, यहाँ पर भी आपको मजबूती दिख रही है। और मंथली लेवल पे देखेंगे तो यहाँ पर गए 4-5 महीने कंसोलिडेशन के बाद बढ़िया मूवमेंट आया और अभी भी यहाँ पर फिलहाल ऊपर जाके गिरावट देखने को मिली। और अभी इतना ज़्यादा या गए भाग चुका है तो भाई प्रॉफिट बुकिंग तो होना लाजमी है और करेंगे भी लोग, तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा और वेट करना चाहिए। आपको 100 से 110 के लेवल पर अगर आपको मिलता है तो वहाँ पर आप इसको अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इसकी उठाने की। और जैसा कि अपने हर वीडियो में बताता हूँ गाइज, हम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, वीडियोस प्योरली आपके एजुकेशन पर्पस के लिए बनाता हूँ, आपको भी नोशन करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे बगैर कतई नहीं करेंगे। मेरे पर्सनल व्यूज होते हैं, मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, साफ साफ बोलता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।